हेलो दोस्तों, इस समय यूएई दुबई से कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट सामने आ रही है जिसकी जानकारी आप सभी लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो पहली बड़ी अपडेट यहां पर एतिहाद एयरवेज की तरफ से आ गई है। आपको बता दें कि एतिहाद एयरवेज ने भारत के कई शहरों से अपनी फ्लाइटों को चालू कर दिया है, जिसमें कि नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोची, हैदराबाद, इसके अलावा और भी कई सारे एयरपोर्ट शामिल है जहां से इतिहाद एयरवेज ने अपनी फ्लाइटों को चालू कर दिया है। तो अब जो लोग भी अप्रैल महीने से भारत से यूएई दुबई जाने का इंतजार कर रहे थे, तो अब वो सभी लोग आसानी से ट्रैवल करके जा रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि आज यानी कि 8 अगस्त से लंदन के लिए भी अपनी सीधी फ्लाइटों को ऑपरेट कर रही है, और इतिहाद एयरवेज अबू धाबी एयरपोर्ट से लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट के लिए अपनी ये सीधी फ्लाइटें चालू करेगी, जहां पर सभी लोग बिना क्वारंटीन के ट्रैवल करके जा सकेंगे। लेकिन शर्त ये है कि उन सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी बताना चाहेंगे कि यूके की गवर्नमेंट ने यूएई को रेड लिस्ट की कैटेगरी से निकालकर एम्बर लिस्ट की कंट्री में डाल दिया है। इसके तहत जो लोग भी यूएई से ट्रेवल करके यूके में जाएंगे तो उन लोगों का वहाँ पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। यदि वो लोग वैक्सीन लगवा कर जाएंगे तो यूके में जाने के बाद वो लोग 10 दिन वहाँ पर होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यूए से एक और अपडेट आ रही है जो कि यूएई के लीगल कानून से है। तो आपको बता दें कि यदि आप यूएई में गाड़ी चलाते हैं और वो गाड़ी आप किसी दूसरे ओनर्स की चलाते हैं और उसके बिना परमिशन के चलाते हैं, तो ऐसे हालात में आपके ऊपर चोरी का मुकदमा चल सकता है और आपके ऊपर 10,000 दिरहम तक का फाइन भी लग सकता है, और साथ ही साथ आपको 1 साल की कैद की सजा भी हो सकती है। ऐसी जानकारी यहाँ पर यूएई की तरफ से आ रही है। आपको बता दें कि यूएई की गवर्नमेंट इसको लेकर रेगुलर बेसिस पर अपडेट करती रहती है, ताकि वो लोग यूएई दुबई में रहते हुए किसी भी तरीके की गलती ना करें जिससे कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सके। तो दोस्तों, ये सारी लेटेस्ट अपडेट आ रही थी इस समय यूएई दुबई की तरफ से, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। यदि आपको यूएई दुबई की रेगुलर बेसिस पर अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूएई से आने वाली सारी लेटेस्ट खबरों की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।